उन्होंने आज जाए डे तो यार हमारे साथ एक सीन हो गया। उस्मान भाई पहले गाड़ी चला रहे थे, फिर उस्मान भाई थक गए, पापा ने कहा चलो मैं चला लेता हूँ, जगह चेंज करने के लिए उतरे हैं। तो ये आपको पता है यार सोदिया सारा सहराई इलाका है, तो हमने यहाँ पर रोड के ऊपर गाड़ी रोकी अपनी, हमारी गाड़ी मिट्टी के अंदर ही जल गई पूरी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई हमारे साथ बड़ा सीन हो गया। क्या लेना काके ने, क्या लेना है, क्या लेना मुझे बताओ। प्यो का ब्याह तो नहीं जे एडा कुछ ले लीजिए, फिर उन्हें चेक करो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो पिछले ब्लॉग के अंदर यार आप लोगों ने देखा होगा मेरी बहन और उस्मान भाई की मम्मा पाकिस्तान चल गई थी, क्योंकि उनका वीज़ा खत्म हो गया था। मेरा वीज़ा थोड़ा सा आया था, मेरा भी दो तीन दिन के अंदर खत्म होने लगा। उसके लिए यार आपको पता होगा विजिट वीज़ा एक जब ख़त्म होता है तो हमें बहरीन से रीन्यू करवाना पड़ता है। तो यार रीन्यू करवाने के लिए हम लोग बहरीन जा रहे हैं, और बहरीन हम लोग जा रहे हैं जी भाई वही जो जिसके अंदर पिछली बार गई थी ना बहरीन, ये वाली गाड़ी के अंदर देखे पापा रात को ले आए थे। और लाडू रानी जैसे हम लोग पिछले लोग कहते छोड़ के आए थे, वैसे पापा रात को ले आए थे उनको, और ये वाली गाड़ी ले आए थे, क्योंकि यार ये ऑटोमेटिक है और थोड़ी इसकी हालत सही है। ऐसा ना हो अगर हम लोग लाडो रानी ले जाए और रास्ते में खुल जाए और हम लोग तोड़े के अंदर डाल के लेके आनी पड़े, इसलिए पापा यही ले आए थे गाड़ी की वाली सही तो है ना गाड़ी, हम लोग आराम से चल तो जाएंगे। तो भैया आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं, रात हम लोग 3 बजे सोए और सुबह 10 बजे पापा ने उठा दिया, चलो 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 वापस भी आना फिर जल्दी जल्दी। तो हम लोग नहा नू के फ्री हो गए, बस पापा रह गए और बच्चे रह गए हाजी माला नहाने के लिए। आपको अब मैं बताता हूँ कि कौन कौन हमारे साथ जा रहा है, हाजिम हाला उस्मान भाई की वाइफ, उस्मान भाई पापा और मैं जा रहे हैं इस गाड़ी के अंदर। और हसन भाई जो हैं वो घर में रहेंगे, क्योंकि भाई उनका कोई काम नहीं है, उनका तो काम होता है, उनका तो पक्का वीज़ा वो तो 2 साल बाद लगता है, हमारा तो 3 महीने बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा 1 साल का वीज़ा है, वो भी विजिट वीज़ा है, 3 महीने बाद ख़त्म हो जाता है। तो भी ऊपर चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं, बच्चों को उठाते हैं और पापा को नहा लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं जी भाई बहरीन। ये एक बड़ी गाड़ी चेक कर लो, पापा ने इसको दिलवा भी लिया था, सांस चढ़ गया। ये देख लो, ये देखो हमारी गली, ये चेक करो हमारी गली चेक करो, पाकिस्तान में ऐसे मोटरसाइकिल खड़ी होती हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी ही हैं। चलो जी बच्चे को उठाने आए, बच्चों को सारे किचन के अंदर है और मैं बच्चों को उठाने आ गया, मेरा दिल नहीं लग रहा घर के अंदर। ये चेक करो हला सोई है, हला ये चेक करो, हला 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 तो गाड़ी नींद के अंदर हाजिम को उठाते हैं। मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि भाई उस्मान भाई आ गए तो छितर पड़ना मेरे वहीं से, कि बच्चे ने उठ के तंग करते हैं रोते हैं ना, फिर हाजिम को उठाते हैं। हाजिम 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 आ जा बाहर, ब्रुम ब्रुम पे चलेंगे गाड़ी पे। शुक्र है टाइम टाइम पे बाहर आ गया, समान भी नहीं दिखा। एक मिशन तो मेरा सक्सेसफुल हो गया, अब हाला को उठाते हैं, ये भी मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा इंशाल्लाह। हाला 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 पेपर पे पास हो, चलो यार रोटी पानी खा के हम लोग नीचे आ गए। अब आपको दिखाता हूँ हाला और हाजिम, पहले हाला नीचे आई है हाला को, क्योंकि मैं उठा के लेके आया हूँ, उसको चलना नहीं आता अभी। हाजिम जो है वो व्यू पड़ी है, पहले हाला की आपको लुक दिखाता हूँ। क्या बात है जी हाला, ये देखे हाला भी बीमार है थोड़ी सी, क्योंकि हालांकि ना ये सारे के ऊपर चोट लग गई, सोफा बाज गया था रात को, तो इसलिए हालांकि थोड़ी तबीयत खराब है। तो बाकी ये मैं शूज़ भी ले आया हूँ, शूज़ रखते हैं जी भाई गाड़ी के अंदर पीछे, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर जूती पहन के चल जाएंगे। जब बहरीन पहुँचेंगे दमाम जहाँ पर हम पहुँचेंगे बीच के पास,
वहाँ पर शूज़ पहनूंगा। अभी तो भाई मैंने जूती पहनी है, इजी होके जाऊंगा गाड़ी के अंदर, क्योंकि पीछे मैं लेट जाऊंगा। बाकी हाला एक बार चेक कर लो जी, है हाला ऊपर देखो ताले तूले लगा रहे हैं पापा। चाबी मेरी रह गई है, चाबी घर की चाबी, देखे घर की चाबी है ये। हसन भाई घर में ही आपको जैसे मैंने बताया, हसन भाई को चाबी दे के आता हूँ ऊपर, उसके बाद हम लोग अपना सफर स्टार्ट करते हैं। और हसन भी आता है, हसन भी दिखाता हूँ आपको। यो क्या रह गया, अब नीचे बुला रहे हैं। हाँ बोलते नहीं जी, भी काम है। चलो हम लोग तो चलते नीचे, खुद ही आ जाएंगे जी। चलो जी, हालांकि साथ आपने आगे बैठना, आगे बैठ। हाँ उस्मान भाई, चलो जी रेडी टू गो होने लगे हम लोग जी। बस ये चेक करो जी, सिर्फ हाजिम रह गए और हाजिम की मम्मा रह गई है, बाकी सारे हम लोग नीचे आ गए हैं। पापा की लुक दिखाता हूँ आपको। पापा ने भाई तो पहनी है जी, जो हमने मदीना के अंदर पहनी थी। चलो ये सफर स्टार्ट करते हैं, हाजिम आ गया, वो देखो। एक तो भाई दुनिया में काम खत्म नहीं होता, सामान भी फिर ऊपर मुझे भेज दिया कि हसन भाई से आईफोन की लीड लेके आओ। अब लेके आते जी आईफोन की लीड, सामान भी अपना आईफोन साथ लेके जा रहे हैं ना, तस्वीरें तो सिर भी तो खींचनी है ना। चलो जी ये पड़ा जी, मिल गया जी भाई आईफोन का चार्जर। चलो जी लेके चलते हैं। और ये मोबाइल किसका है? चलो जी मोबाइल तो गाड़ी छोड़ के जा रहे थे, सामान भाई की वाइफ का मोबाइल है ये। तो भाई हम लोग गाड़ी छोड़ के जा रहे थे, देखो मैं किसी काम तो आया ना, इनके अजान हो रही है जी, सफर स्टार्ट कर दे चुप करके अपना। यार हम लोग नमाज़ पढ़ने के बाद, यार जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग बकाले आ गए, यहाँ से कोई चीज़ें वगैरह लेनी है। पहले भी हमने चीज़ें ली थी, अब फिर से भाई भूख लग गई, चीज़ें खानी हैं, तो देखते क्या लेते हैं। हालांकि हाजिम के मैंने आपको लुक दिखाई नहीं थी, हाजिम देखो, हाजिम और हाला ने बिल्कुल एक जैसे कपड़े पहने हैं, शूज़ भी एक जैसे पहने, लेकिन मैंने हाला सो गई थी, मैंने हालांकि ना शूज़ उतार दिए थे, तो उसको गर्मी लग रही थी भाई जनवरी ख़त्म होने वाला, तो भाई यहाँ पर सर्दियों में तो सर्दी का नामो निशान नहीं है, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं कौन सा ये मुला है जहाँ पर सर्दी नहीं होती। बाकी जल्दी जल्दी चीज़ें रहती हैं, मैं पीछे ना रह जाऊँ, जल्दी जल्दी चीज़ें ले लेता हूँ मैं। क्या लेना? अबू लेना नहीं। शेख साहब खैर ये ट्राली फड़ी है। क्या लेना काके ने? क्या लेना है? क्या लेना मुझे बताओ। प्यो का ब्याह तो नहीं, जे एडा कुछ ले लीजिए। हीरे ने चेक करो, रियल लग रही है ये तो भाई, बड़ा भैड़ा लग रहा है, घोड़ा के क्या है ये, तो चलो काबिले बर्दाश्त है ये। चलो जी यार हम लोग बहरीन पहुंच गए हैं, ये चेक करो जी भाई, ये हम लोग बहरीन ही पहुंचे, ये सऊदी अरेबिया के एक शहर है दमाम, हम वहाँ पहुँच गए हैं। पापा भी बाथरूम करने जा रहे हैं, मैं भी बाथरूम करने जा रहा हूँ, उसके बाद हमने अच्छा ठीक अच्छा ये जो सामने फॉर्चुनर खड़ी है ना, इसके अंदर शायद हम लोगों ने जाना है बहरीन अपना वीज़ा लगवाने के लिए। पापा और उस्मान भाई इधर ही रहेंगे, मैं उस्मान भाई के बच्चे और उस्मान भाई की वाइफ जाएंगे बहरीन। अभी तो भाई पूरा थक गए हम लोग, बड़ी मुश्किल से सफ़र करके आए हैं, कहीं भी नहीं रोकी रास्ते में, सिर्फ वाशरूम गया जहाँ पर रोकी है, बाकी अभी वहाँ हम लोग वाशरूम खड़ा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सारे बहरीन जाएंगे। पहले यार जल्दी से वाशरूम कर ले, बस हो गया भाई रास्ते में, इन्होंने तो कहीं रोकी नहीं है, जालम तरीके से लेके आए हमें। खुल जा सिम सिम, आए हाय हाय चेक करो ये, पता नहीं आज क्या है, इधर फंक्शन है कोई। चलो ये है जी भाई गाड़ी जिसके अंदर हम लोगों ने बहरीन जाना है, हमारी गाड़ी वो खड़ी है, इसके अंदर हमने जाना है, जिसके अंदर हम लोग पिछली वाली गए थे ना, उसके अंदर ही उसी भाई के साथ दोबारा जा रहे हैं। पहले हम लोग वीज़ा लगवाएं, उसके बाद आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि भाई हमारे कितने पैसे लगते हैं वीज़ा लगवाने पे, रीन्यू करवाने पे। पहले जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी शूज़ पहन लेते हैं, जूती मैं घर से पहन के आया था जैसे आप लोगों ने देखा होगा। अब शूज़ हाँ जी हो रहा बंद, शूज़ पहन लेता हूँ जल्दी जल्दी भाई, बहरीन जा रहे हैं हम लोग। चलो उधर से चलो आए तो बड़ी तो आई है। Thank you.
कंप्लेन करो दे अंदर जी तू हाई लक्स करिए वीजा रीन्यू हो गया। उसके बाद वीजा रीन्यू करवाने के बाद हम लोग आए हैं जी भाई खाना खाने के लिए जी, शाह सीख कबाब अल्प शावड़ी। पिछली बार भी हमने यहीं से खाना खाया था जी, यहाँ से बड़ा मजेदार इनका खाना आया था जी भाई। चलते हैं जी भाई रोटी खाते हैं। चलो जी चलो जी चलो चलो जी चलो जी। उधर तो कोई नहीं बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह यार हम लोग सारा खाना खा लिया। पहले हमने भी फोर तो देखा होगा, आफ्टर भी देख लो जी भाई कितना सत्यानाश हम लोगों ने मारा। चावल इनके बिल्कुल बेकार थे और कढ़ाई इनकी मटन कढ़ाई क्या बात है, चपली कबाब इनके बड़े मज़ेदार आते। और पाकिस्तान नान जो है पाकिस्तान से आने के बाद मैंने पहली बार पाकिस्तान के नान खाए हैं इधर से। एक बार जिस दिन मैं आया था उस दिन रियाज से खाए थे, दूसरी बारी मैंने यहाँ से खाया है। अब जल्दी से भाई सारे चल गए गाड़ी के अंदर, हम भी चलते हैं। आज हम लोग रियाज जा रहे हैं, एक दिन नहीं हम लोग भेजी ना आगे सऊदी अरब और वापस हम लोग अपने शहर रियाज जा रहे हैं इंशाल्लाह। जल्दी से चलते गाड़ी के अंदर, मुझे छोड़ के ना चल गए, जल्दी जल्दी चलते हैं। के बाद भाई हम लोग मैकडोनल्ड आए थे, वहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम लिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी भाई रियाज, आपको सीधा रियाज जाके मिलता हूँ क्योंकि रास्ते में अब हमने कहीं भी नहीं रुकना। हम लोग रियाज जा ही रहे थे यार, हमारे साथ सीन हो गया। उस्मान भाई पहले गाड़ी चला रहे थे, फिर उस्मान भाई थक गए, पापा ने कहा चलो मैं चला लेता हूँ, जगह चेंज करने के लिए उतरे हैं। तो ये आपको पता है यार सऊदीया सारा सहराई इलाका है, तो हमने यहाँ पर रोड के ऊपर गाड़ी रोकी अपनी, हमारी गाड़ी मिट्टी के अंदर ही जल गई पूरी। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई हमारे साथ बड़ा सीन हो गया। ये चेक करो जी भाई हमारी गाड़ी आधी से ज़्यादा अंदर चल गई है मिट्टी के अंदर, आप लोगों को ज़्यादा लग नहीं रहा हो ना, लेकिन हमारी गाड़ी पूरी अंदर चल गई है। अब निकलने का कोई पता नहीं है, अब सोचा को हाथ दे रहे हैं कि भाई रुको हमारी मदद करो। ये आपको इधर से भी दिखाता हूँ, ये चेक करो सारी गाड़ी अंदर चल गई है, देखो बड़ी एक एक दो दो फुट अंदर चल गई है, इधर से भी अंदर चल गई है, ये चेक करो। अब पता नहीं कैसे निकलती है वो, देखो हम लोग रोड़े कट्ठे खा रहे हैं, अब कुछ जुगाड़ लगाते हैं। ये चेक करो, ये देखो सारी गाड़ी अंदर चल गई जी भाई। अब देखते हैं भाई क्या होता है हमारा, यहाँ कोई ट्रक मंगाएंगे, यहाँ पर ना कोई फ़ोन नंबर है हमारे पास, किसको मंगाएंगे, अब देखते हैं हमारी कौन मदद करता है। फिलहाल ये हमारा पूरे टायर तो हर गए हैं, ये देखो आपको नज़र आ रहे होंगे टायर ज़मीन के साथ नहीं लग रहे, टायर आसमान में, ये वाला वो वाला ज़मीन के साथ चल गया और गाड़ी ऊँची नीवी हो गई है। ये देखो यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे है, और ये देखो सर सिरा इलाका ये होता है, देखो पैर रखा पैर मिट्टी के अंदर चल गया। चलो चलो जी ऊपर गाड़ी के, चलो गौ रेस नहीं, वो टायर ही नीचे लग रहा, वो देखो मामू आगे नु पता नहीं क्या होता जी। अब ओए निकलने लगी, नहीं एक दो पत्थर और लग रहे हैं। जी भाई यहाँ पर तो पत्थर वगैरह, ये पत्थर बड़ा आसमान भाई, ये वाला पत्थर को हिलिया जे निकलने लगी। ओए अब तो बहुत ही फंस गया पापा, ना पापा रुक जे ज्यादा फंस जाएगी पापा। ओए अब तो गाड़ी ज्यादा ही अंदर चल गई है। ओए पहले देखो यहाँ थी, अब तो ज़्यादा अंदर चल गया, अब देखते क्या होता जी भाई। मुझे पापा से गालियाँ ना इससे पहले पार दिए, मैं आपको बाद में मिलता हूँ जब कोई ना कोई सीट कटी कटा निकलता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारी गाड़ी तो नहीं निकली, लेकिन हमारी मदद के लिए एक इंसान रुक गया यार। पाकिस्तानी तो ऐसे नैश है, वो कभी नहीं अपने मुल्क वालों की मदद करते। यमन से एक भाई है, वो हमारे लिए मदद के लिए रुक गया। मजीद गाड़ी हमारी अंदर चल गई, हमने सोचा था यार हम 10-11 बजे घर पहुँच जाएंगे, लेकिन अब तो यार मुझे लेट ही लग रहा है क्योंकि 11 बज गए हैं, तो अभी तो कोई चांस नहीं है गाड़ी का, क्योंकि यार गाड़ी बहुत ज़्यादा अंदर चल गई है। ये देखो ना बहुत वहाँ से लेके घसीटती हुई यहाँ तक आ गया, पूरा इनका टायर अंदर तक चल गया। अब अल्लाह यार हमारा आप जाए, एक भाई हमारे लिए रुका तो है, ये देखो रस्सा बांध रहे। अब ऐसी हमारी जैसी गाड़ी ऐसी रुकी है हमारी मदद के लिए, देखिए रस्सा बांध रहे पापा, शुक्र है उसके बाद रस्सा आया था, अगर उसके बाद रस्सा ना होता
फिर वो भी गया था और हम भी गया था क्योंकि उसकी भी गाड़ी फंसने लगा किसी, उसने बड़ी मुश्किल अपनी गाड़ी बचाई है। तो यार अब मैं इधर इसलिए छुप के ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि भाई पापा को बड़ा गुस्सा चढ़ा है, मुझे बोले ना अगर कोई और सूरत हाल होती है वो आपको मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अभी तो भाई मैं चुप करके भाई उनकी मदद करता हूँ, वो ये ना कि भाई चुप करके गाड़ी में जाके बैठ गया, इसलिए भाई मैं नीचे हो गया ब्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि पापा ना देख लें। अभी जो उनकी जाके मदद करती है, आगे पापा आगे रात का अंधेरा, कोई मदद करने वाला नहीं, सिरा है सारा, ये देखो अंधेरा सारा है, जितना भी है सिरा है, कोई बंदा मदद के लिए नहीं रुक रहा जी। भाई ये इस हमारी, इसने अपनी रस्सी दी, इसने अपनी हमारी गाड़ी सारी रस्सी बांधी है, अब देखते हैं कि गाड़ी निकलती है कि नहीं। ये देखें ये भाई ने हमारी मदद की है, ये देखें अल्लाह अकबर, लग रहे निकल जाए, लग रहे निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। ये देखो मिट्टी चेक करो, वो ज्यादा अंदर मजीद गाड़ी अंदर जाई जा रही है। अल्लाह बड़ी, देखो मजीद गाड़ी देखो उस साइड पे जाई जा रही है, आगे वाली साइड से राह वाली साइड पे जाई जा रही है। देखो गाड़ी हमारी इधर है थी, इधर को चल गई है, देखो मजीद आगे जाई जा रही है, अल्लाह ख्याल करे बस। ये देखो धुआं कितना ज्यादा गाड़ी छोड़ रही है, गर्म हो गया ना, हीट अप हो गया गाड़ी। ये देखें मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो गई है, निकलने लगी अल्लाह करे निकल गई। चलो जी शुक्र है निकल गई, चलो जी खली 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 शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। भाई मेरी गाड़ी, हमारी गाड़ी निकल गई है और मैं अंधेरे में आप लोगों से बातें कर रहा हूँ क्योंकि यार मेरी 20% बैटरी हो गई है। आपको जब पता है 20% बैटरी हो जाए तो फिर मोबाइल की जो फ्लैश है वो नहीं चलता। भाई मैं अब आपको जहाँ पर रुकूँगा चार्जिंग करने के बाद ही मिलूँगा, नहीं तो भाई मैं आपको सीधा रियाज जाके मिलूँगा इंशाल्लाह।